नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज आज से हो गया है। पहले दिन सत्र शुरू होते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। उनके बाद नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। 18वीं लोकसभा का सत्र जैसे जैसे शुरू हुआ तो पहली तस्वीर से ही सब कुछ बयां हो गया। पिछले लोकसभा सत्र के मुकाबले इस बार नज़ारा बदला दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी 3.0 सरकार के सामने इस बार एक मजबूत विपक्ष सदन में नजर आया। वहीं सदन के शुरू होने से पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ, लेकिन जैसे प्रोटेम स्पीकर बीजेपी से बनाया गया तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है और कैसे महत्वपूर्ण होता है और आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हालांकि भर्तृहरि मेहताब के नाम पर विवाद भी जारी है। कांग्रेस ने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति को इन नामों की जानकारी देते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाता है। वहीं जब जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि मेहताब के नाम का ऐलान किया था, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडी कुनील सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि मेहताब 7 बार के ही सांसद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ने इस बात का भी जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार कर कहा, मेहताब लगातार 7 बार के लोकसभा सदस्य हैं, जिससे वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश 1998 और 2004 में चुनाव हार गए थे, जिस कारण उनका मौजूदा कार्यकाल निचले सदन में लगातार 4th कार्यकाल है। इससे पहले वह 1989, 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। फिलहाल देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर चाहे जितना विवाद रहा हो, मगर फिलहाल के लिए भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वहीं एक मजबूत विपक्ष ने कई मोर्चों पर एनडीए सरकार को चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। तब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विवाद खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।